हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 4 इजी एंड फास्ट वेज फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। मे बी हो कि आपको ये इमिग्रेशन के जो तरीके हैं कैनेडा के वो पता हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन चारों तरीकों में से आपको कुछ तरीके ना पता हो। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे क्या ऐसे चार आसान और तेज फास्टेस्ट वे ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन है। तो डोंट मिस आउट दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड। ओके, तो पहले कैनेडियन इमिग्रेशन के फास्ट और इजी तरीके के ऊपर बात करते हैं, जो कि है विजिट वीज़ा। यस, कैनेडा का विजिट वीज़ा। अच्छा, मेक श्योर करें कि इसके अंदर कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियस होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कैनेडा का विजिट वीज़ा लग जाए। मैं आपको बता दूँ कि कैनेडा का विजिट वीज़ा का प्रोसेस जो है वो इंतहाई सिंपल है। आपको कुछ फंड शो करने होते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं कि भाई अगर आप विजिट पर आते हो तो आपके पास ये पैसा है, या आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी दिखा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो मैटर करता है वो आपके लिक्विड फंड्स करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है या बिजनेस पर्पस वगैरह के लिए आ रहे हो। इसका प्रोसेस अभी बताया कि बहुत ही इंतहाई इजी है, लेकिन ये लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी है खास वजह। उसकी खास वजह यह है कि जब भी आप विजिट वीज़ा पे आ रहे होते हो तो आपका जो रियल इंटेंशन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रियल इंटेंशन विजिट टू कैनेडा की क्या है। मेक श्योर करें कि अगर आप जब भी अपना विजिट वीज़ा फाइल करें तो उसमें यह चीज़ ज़रूर बताएं कि आपका रियल इंटेंशन ऑफ विजिट वीज़ा क्या है। इसके ही बेसिस पर आपका विजिट वीज़ा लगेगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि विजिट वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने ये ज़्यादातर केसेस देखे हैं, कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और मैंने यही नोटिस किया है, इस बात से ये अंदाज़ा लगा है कि जो लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री ज़्यादा है उनके लिए कैनेडा का विजिट वीज़ा लगना ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, सो वन ऑफ द अदर टॉप फास्ट एंड ईजी वे फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन इज स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा जिस पर मैं खुद आया था, स्टूडेंट वीज़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा का रेशो जो होता है या जो कोटा होता है फॉर कैनेडा वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कैनेडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। पैंडमिक के दौरान भी उनका बहुत ज़्यादा रिलायंस था ऑन स्टूडेंट वीज़ा, और बहुत मेजर चंक ऑफ फंड्स आता है। लेकिन बात यही जहन में रखें, जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे होते हैं तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट और बड़ा अमाउंट बहुत लगता है। कंसिडरिंग कि आपको अगर मैं एक टेंटेटिव अमाउंट दे के चलूँ तो अराउंड 15,000 कैनेडियन डॉलर्स टू 20 to 25,000 कैनेडियन डॉलर्स खर्चा हो ही जाता है एक स्टूडेंट पे। आप अगर अपने अर्ली 20s में हो या इवन लेट 20s में भी हैं तो भी आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू एनी अदर कैनेडियन वीज़ा टाइप, स्टूडेंट वीज़ा सबसे ज़्यादा अप्रूव होता है, बिकॉज इट इज़ जेन्युइन एंड कैनेडा इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्री फॉर स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरीज आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह मैं भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वैंकूवर में आया था और माई जर्नी हैज़ बीन रियली ग्रेट। जिनको ये चीज़ नहीं पता या नहीं मालूम, तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्टडी वीज़ा के ऊपर देता चलूं कि स्टडी वीज़ा जो होता है वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। या तो आप एक साल के स्टडी पीरियड पे आते हो, या दो साल, या चार साल। ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आप एक साल का स्टडी वीज़ा करते हो तो आपको एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, और अगर आप दो साल या चार साल का स्टडी करते हो जिसका आपका ड्यूरेशन स्टडी का जो है वो दो साल या चार साल होगा, उसके बेसिस पे आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, जिस पे आप ओपनली किसी भी कैनेडियन एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हैं, जितने घंटे चाहे कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। बट ड्यूरिंग स्टडी टाइम आपको खाली 20 घंटे पर हफ्ता पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है। कैनेडियन स्टडी वीज़ा जो है वो दो तरीके से अप्लाई होता है, एक होता है SGS कैटेगरी, एक होता है नॉन SGS कैटेगरी। SGS कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स होती है जिसमें आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में IELTS में आपके 6.5 मिनिमम होने चाहिए ओवरऑल स्कोर। उसके अलावा आपका GIC गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अकाउंट होना चाहिए, इट्स मोर ऑफ अ ब्लॉक अकाउंट जिसमें 10,000 कैनेडियन डॉलर जमा होने चाहिए। इसके अलावा आपकी एक साल की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस पे होनी चाहिए। अदर देन दैट, जो नॉन SGS कैटेगरी में, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने होते हैं, और आप चाहे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या अपनी यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस पे करके आप दिखा सकते हैं। यहां पे बात चलती है कि अगर हम लोग SGS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं जिसका स्टडी वीजा रेशो 90-95% है फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि SGS कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा कम कंट्रीज़ हैं जो कि अलाउ करती हैं। नॉन SGS कैटेगरीज पूरी दुनिया के लिए है कैनेडा फॉर कैनेडियन स्टूडेंट वीजा, लेकिन SGS कैटेगरी कुछ लिमिटेड कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, तो गाइज जब तक हम बात करते हैं अगर SGS कैटेगरी की, तो SGS कैटेगरी में आपको जैसे बताया कि GIC गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अकाउंट किसी भी कैनेडा के टॉप 5 बैंक्स के अंदर खुलवाना होता है। मेरा अकाउंट जो है वो है CIBC बैंक के अंदर। अगर आपको भी SGS कैटेगरी में आप कैनेडा आ रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना रेफरल लिंक आपको ज़रूर दूंगा। उससे ईजिली आपको $200 ऑन ओपनिंग ऑफ अकाउंट मिल जाएगा, जो कि आप कैनेडा आके यूज़ कर सकते हो। तो थर्ड कैटेगरी जो वन ऑफ द टॉप
एंड ईजी एंड फास्ट फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन है वो है वर्क वीज़ा। अच्छा, ये बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे कि वर्क वीज़ा कैनेडा में इतना आराम से नहीं मिलता। मैं एग्री करूँगा कि वर्क वीज़ा इतना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इस देर एज अ पॉसिबिलिटी, येस देर एज अ पॉसिबिलिटी। इस पर बात करते हैं क्योंकि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वन ऑफ द टॉप 6 ऑडिट फर्म्स के अंदर, मैंने बहुत सारे अपने एशियंस, साउथ एशियंस और डिफरेंट पूरी दुनिया से लोगों को देखा, इवन कि ऑस्ट्रेलिया से लोग कैनेडा आते हैं काम करने बेस्ड ऑन योर वर्क वीज़ा। अच्छा गाइस, तो अगर आप किसी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या कोई एक ऐसा आपकी कंपनी जो है वो कनाडा में उसकी एक्जिस्टेंस है या उसके हेड ऑफिसेज हैं या ब्रांचेस हैं, और अगर आप उधर इंटरनली ट्रांसफर ले सकते हो बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर कैलिबर और बेस्ड ऑन योर पोजीशन, तो दैट वे यू कैन ईजिली इमिग्रेट ऑन वर्क वीजा। उसमें क्या होगा कि अगर कोई भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कोई ऑडिट फर्म है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कोई ऑयल एंड गैस कंपनी है, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से, मिडिल ईस्ट से एंड इंडिया से ट्रांसफ़र होते देखा है बेस्ड ऑन देयर वर्क वीज़ा। और वर्क वीज़ा पे आके जब उनके पास एक लिमिटेड वर्क वीज़ा होता है, जिसमें अगर वो लोग एक साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो एक साल का वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपने एक्सप्रेस एंट्री के लिए पॉइंट्स डाल सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। चलें, अगर मैं वर्क वीज़ा के लिए जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं उनको मैं हटा देता हूँ, तो उसके अलावा स्किलफुल जॉब्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत ज़्यादा कनाडा में जो है वो हमारे देसी, जैसे कहते हैं ना, हमारे इंडिया पाकिस्तानी के रेस्टोरेंट्स देखे, और जब मैंने वन ऑफ द टॉप वीडियोज़ बनाई थी जो कि फुली स्पॉन्सर्ड थी बाय द टॉप 5 रेस्टोरेंट्स इन वैंकूवर इन कनाडा, उनमें मैंने जाके ये पता चला था कि जो शेफ़ होते हैं वो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे ही आते हैं, बिकॉज देर इज़ अ टिपिकल टेस्ट, या जो डिश बनाते हैं, फॉर एग्जांपल बिरयानी, बिरयानी के लिए एक प्रॉपरली शेफ़ चाहिए, या कढ़ाई वगैरह के लिए, जिसके लिए वर्क वीज़ा पे बाहर हमारे होम कंट्री से शेफ़ आता है टू कनाडा, एंड दिस वे यू ऑल्सो कैन कम इन कनाडा बेस्ड ऑन योर वर्क वीज़ा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई रेस्टोरेंट ओनर या उसके पास इसके अलावा कोई एम्प्लॉयर या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आपको वर्क वीज़ा दें, एंड वो कैनेडियन गवर्नमेंट को ये बताएं कि ऐसा टैलेंट, ऐसा स्किल हमें हमारी होम कंट्री, मतलब हमारे कैनेडा में नहीं मिल रहा, तो हमें बाहर से इंटरनेशनल कैंडिडेट बुलाना पड़ रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट अप्रूव होता है। आई शो द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते भी हैं और बहुत सारे लोग ये सवाल करते भी हैं कि अगर हम अपने स्पाउस को कनाडा भेज दें या स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, तो क्या दूसरे उसके साथ दूसरा जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड आता है तो क्या उसके साथ वाइफ कनाडा आ सकती है, या अगर वाइफ यहाँ पे कनाडा आती है या स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, तो क्या वो अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं या नहीं बुला सकती। इसका आंसर है दिस इज़ वन ऑफ द टॉप फास्ट एंड ईजी वे फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। अगर आप मेरी बात करें, तो मैंने जब अपना देखा कि बहुत सारे लोग इधर वैंकूवर में पर्टिकुलरली स्पाउस वीज़ा के ऊपर आए हुए, तो इस पर बात करते हैं कि स्पाउस वीज़ा में क्या कहानी है। स्पाउस वीज़ा में होता यह है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं, स्टडी वीज़ा पे आने के बाद अगर फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ जो है आप उनको भेजते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो वो एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडीज़ पे अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती हैं, और वो जब हस्बैंड आएंगे तो वो स्टडी वीज़ा पे नहीं आएंगे, वो ओपन वर्क परमिट पाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो हस्बैंड है, जो स्पाउस है, वो 100% मतलब फुल टाइम कहीं पर भी जॉब कहीं भी कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं होती। एंड बेस्ड ऑन दैट जब वो वाइफ अपनी ग्रेजुएट हो जाती हैं और जो हस्बैंड है वो अपना जॉब एक्सपीरियंस ले लेते हैं, बेस्ड ऑन दैट उनके एक्सप्रेस एंट्री के पीआर पॉइंट्स बनते हैं, एंड दे कैन ईजिली गेट कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी। एंड वाइस वर्सा, अगर हस्बैंड पढ़ने आते हैं और वाइफ आके यहाँ पे जॉब करती हैं, तो भी ये चीज़ सिमिलर ही है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द टॉप वे स्पाउसल वीज़ा, और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप विजिट पे भी बुला सकते हैं। विजिट पे ऑब्वियसली आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आप वर्क परमिट पे बुलाते हैं, ओपन वर्क परमिट इशू होता है जिसके ऊपर आप अपने हस्बैंड या वाइफ, जो भी जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आके यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, अपनी रेलिवेंट फील्ड में करें, जिसमें भी करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। एंड दैट इज दैट सेट फ्रॉम माय साइड, एंड दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रेमिटली एप्लीकेशन। रेमिटली एप्लीकेशन जो है उसमें यह है कि मैं वो पर्सनली यूज़ करता हूँ जब अपने मुझे फंड्स ट्रांसफर करने होते हैं फ्रॉम कनाडा टू पाकिस्तान, बट यू कैन यूज़ दैट रेमिटली एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे आप यहाँ से कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे यूके, ऑस्ट्रेलिया, यू कनाडा, यूएस, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन यूज़ रेमिटली एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देता हूँ। डू क्लिक दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम बोनस एंड एक्स्ट्रा डॉलर्स एज वेल। ऑलराइट गाइस, जब तक के लिए टेक केयर।